गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सुपर सिस्टी एजुकेशन हब में मैं सचिन यादव फिर अपनी अगली वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। पिछली वीडियो जो पिछला सेशन आपने देखा होगा, जो कुछ भी आपने फीडबैक दिए हैं सारे चीज़ों को नजर में रखते हुए फिर नई वीडियो इस लिस्ट की अगली वीडियो वापस चलते हैं द हिंदू बुक ऐप पे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ना बोलते हम सीधे वीडियो शुरू करते हैं, अपने पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एरली। एरली इन अ स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग मैनर, मतलब कि बहुत अधिक रूप से, कोई भी चीज़ एक नॉर्मल लेवल पे होती है बट उससे भी उस स्टैंडर्ड से ज्यादा बहुत ही हो जाए तो उसे हम एरली के सेंस में लेते हैं। यहाँ भले से हिंदी दी आपको भयावह तरीके से, आप कह सकते हैं किसी चीज़ को देखकर जब एकदम भौचक्का रह जाए, बहुत आवश्यकता से अधिक वो हो जाए, तो उसके लिए हम एरली का यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव है कि सिनोनिम्स आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने नजर आ रहे हैं, बिजारली मतलब कि जो आपको एकदम वो भौचक्का कर दे। प्रीटरनेचुरल मतलब आप लोग जानते होंगे अलौकिक होता है, मतलब जो दैवी होता है, जो सामान्य चीज से जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं उनसे जो ऊंचे स्तर पर चीज हो उसे प्रीटरनेचुरल कहेंगे। ठीक है, स्पूकीली यही सेंस होता है, अनर्विंगली ठीक है, पूरी तरीके से एकदम उत्साहित जो चीज़ आपको कर दे, एकदम आपको आपके रोंगटे खड़े कर दे उस तरीके की। ठीक है, एंट्रेंस आपके सामने आप लोग देख रहे होंगे, नेचुरली साधारण से प्राकृतिक रूप से, नाइसली जो सौम्य तरीके से हो, ऑर्डिनरली साधारण तरीके से, और प्लीजेंटली जो कि एकदम खुशनुमा तरीके से हो। ठीक है, कोई भी तरीके से उसमें डरावनापन ना हो, भयावह ना हो, तो उसे प्लीजेंटली कहेंगे। ठीक है, बहुत आवश्यकता से अधिक ना हो। ठीक है, यूजेस आप लोग सामने देख रहे हैं, द रोबोट लुक्स एरली वेल, बहुत ही मतलब वास्तविक रूप से, बहुत ही ज्यादा रूप से वो क्या एकदम पूरी तरह से सच्चाई उसमें नजर आ रही थी, जैसे वो सच्चा इंसान की तरह नजर आ रहा था, ना कि वो एक रोबोट लग रहा था। ठीक है, ये पहला वर्ड आपका हो गया। अगला वर्ड आप देखेंगे इसमें है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसग्रंटल। ठीक है, डिसग्रंटल एक क्या है, वर्ब है, मीनिंग इसकी क्या है, मेक समवन एंग्री और डिससैटिस्फाइड, किसी को असंतुष्ट कर देना या फिर चिढ़ा करना, चिढ़ा देना। ठीक है, सिनोनिम्स के पास हम आते हैं, डिसकंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब वो जानते हैं संतुष्ट, और डिसकंटेंटेड मतलब कि जो असंतुष्ट हो जाए, अग्रीव जो कि बहुत क्रोधित हो जाए, रिसेंटफुल एकदम गुस्से से भरा हो जाए, डिसप्लीस्ड जो शांत न रहे, आक्रोश उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, मेल कंटेंट मतलब जो असंतुष्ट हो जाए। ठीक है, एंट्रेंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, पहला एंट्रेंस आपका हैप्पीनेस, उसके बाद प्लेजर मतलब खुशी, और प्लेजर मतलब आनंद, सेटिस्फैक्शन संतोष। ठीक है, ये इसके एंट्रेंस हो गए। यूजर में हम देखेंगे, नथिंग डिसग्रंटल्स देम, कोई भी चीज नहीं थी जिसने उनको क्या किया, हतोत्साहित किया, असंतुष्ट किया, मोर देन द फीलिंग, किसकी अपेक्षा, उस भावना की अपेक्षा, कौन सी भावना, दे आर बींग चीटेड, कि उनके साथ धोखा किया गया, मतलब कि जो उनके साथ धोखा किया गया इस भावना से अपेक्षा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसने उन्हें क्या किया, असंतुष्ट किया था, मतलब इस भावना से ज्यादा उन्हें असंतुष्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देख रहे, थोड़ा सा फास्ट इसलिए रहूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, बच्चे कहते हैं थोड़ा सा छोटी वीडियो रखा करिए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूं मैं, बाकी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने कंकॉक्ट। ठीक है, कंकॉक्ट लिखा हुआ आपके सामने, मीनिंग है क्रिएट, गढ़ना, बनाना, क्या चीज, कोई स्टोरी या कोई प्लान वगैरह, किसी चीज का निर्माण करना अपने मन में, ऐसी किसी कहानी वगैरह का, उसे कंकॉक्ट कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट है, किसी का निर्माण करना, एक्सकॉजिटेट है, इजाद करना, और डिवाइस, वो ये वाला डिवाइस नहीं है जो आप लोग जानते हैं, इस डिवाइस मतलब इजाद करना, किसी का आविष्कार करना, और इसके मतलब एक चीज और होती है, नोट कर लीजिए आप लोग, वसीयत नामा भी होता है इसके नाम मतलब। ठीक है, वसीयत नामा। ठीक, एंट्रेंस आपके सामने, डुप्लीकेट, एक तो चीज जो आप खुद निर्माण कर रहे हैं, दूसरी डुप्लीकेट है, किसी चीज का कॉपी पेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी नजर आ रही है आपको लिखा हुआ है, और रेप्लीकेट उसकी उसी चीज की एकदम सेम इधर क्या प्रतिलिपि है उसकी। ठीक है, यूजर्स है, ही न्यू दैट, वो ये जानता था दैट कि ही वुड बी पनिश्ड, वो दंडित किया जाएगा, सो इसलिए ही कंकॉक्टेड एन एक्सप्लेनेशन, उसने पहले से अपना स्पष्टीकरण इजाद कर लिया था, अपना अपनी तरफ से अपनी क्या कहते हैं उसे अपने बचने के लिए सारी चीजें पहले से तैयार रख ली थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आगे आपका प्रोस्क्राइब, जब किसी चीज को हम अवैध करार दे दें, कोई कोर्ट वगैरह किसी चीज को अवैध करार दे दें, तो वो शब्द क्या कहलाता है, प्रोस्क्राइब करना कहलाता है। ठीक है, टू कंडेम और फॉरबिड एज हार्मफुल और अनलॉफुल, मतलब कि किसी को अवैध करार देकर के, हानिकारक करार देकर के उसकी निंदा करना और उसे रोक देना, वो क्या कहलाता है, प्रोस्क्राइब करना, उस पर रोक लगा देना। ठीक है, बैन आप लोग सामने देख ही रहेंगे, आप लोगों को पता है बैन मतलब क्या होता है, बार मतलब अवरोध लगा देना, इंजॉइन मतलब किसी को सीमित कर देना, और आउटलॉ मतलब किसी चीज को
क्या कर देना, अवैध करार दे रहे हैं। लॉ मतलब क्या, नियम कानून, और आउट मतलब उससे परे, जो नियम कानून से परे हो जाए, उससे ऊपर चला जाए, वो क्या कहलाएगा आपका, अवैध कहलाएगा। ठीक है, एंट्रेंस देख लेंगे आप लोग, अलाउ लेट परमिट, तीनों मतलब जानते हैं, कोई काम करने देना, किसी चीज की आज्ञा देना। ठीक है, यूजेस है आपके सामने, यू हैव डन दोज एक्ट्स, आपने वो कार्य किए हैं विच आर प्रोस्क्राइब्ड बाई लॉ, जिन्हें कोर्ट द्वारा मतलब नियम कानून द्वारा वो क्या है, अवैध माने जाते हैं कोर्ट की नजरों में। ठीक है, कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगाई गई है, तो ये आपका प्रोस्क्राइब का यूज हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, पांचवा वर्ड हमारा क्या है, पांचवा वर्ड हमारे सामने एडजेक्टिव है, वर्ड पे है आर्केन। ठीक, क्या है आर्केन, मीनिंग अंडरस्टूड बाय फ्यू, बाय फ्यू देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे केवल फ्यू दिया, फ्यू मतलब कि सॉरी, हाँ फ्यू मतलब क्या हो गया आपका, न के बराबर, अंडरस्टैंड बाय फ्यू, मिस्टेरियस और सीक्रेट, कोई चीज रहस्यमय हो या सीक्रेट हो, कोई रहस्य हो, अंडरस्टैंड बाय फ्यू मतलब बहुत ही कम लोगों द्वारा, मतलब ना के बराबर लोगों द्वारा जो समझी जाए वो क्या कहलाएगी, आर्केन कहलाएगी। ठीक है, स्टूडेंट्स आपके सामने देखे हुए एब्स्ट्रूस, अस्पष्ट जो हो, प्रोफाउंड बहुत ही गहन हो, एसोटेरिक बहुत ही गूढ़ हो, एकदम गुप्त तरीके की हो, जो समझ में ना आए, किसी को पता ना चल पाए। ठीक है, एंटोनिम्स आपके सामने है शैलो, शैलो के बाद सुपरफिशियल, दोनों का मतलब छिछला होता है, बाहरी तौर पर खुला तौर पर जो सबको समझ में आ जाए। ग्रामेटिकल रूल्स दैट सीम आर्केन टू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं दैट सीम आर्केन, जैसे वो कैसे प्रतीत होते हैं, रहस्यमय, बहुत ही मुश्किल प्रतीत होते हैं, किनके लिए आगे लिखा है, टू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इस सदी के उन बच्चों के लिए हु वर नेवर टॉट ग्रामर इन द फर्स्ट प्लेस, जिन्हें उनके शुरुआती अवस्था में प्राथमिक शिक्षा के समय ग्रामर वगैरह की जानकारी नहीं दी गई, जिन्हें नहीं पढ़ाया गया, उनके लिए अब जो ग्रामर रूल्स है वो कैसे होते, बहुत ही रहस्यमय नजर आते हैं, जिन्हें जल्दी समझ में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ड्रॉलरी, ड्रॉलरी मतलब किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना, द एक्ट ऐसा कार्य और इंस्टेंस, ऐसी घटना ऑफ जेस्टिंग, किसी का परिहास करने की, और मेकिंग फन उसका, मजाक उड़ाने की, मजाक उड़ाने की। ठीक है, जेब मतलब उपहास उड़ाना, सॉरी मजाक करना, जेस्ट मतलब उपहास करना, क्विप मतलब किसी का मजाक बनाना। ठीक है, एंटरनेंस आपके सामने पैथोस, किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स आ जाए, जब ह्यूमर वगैरह हो, अच्छी फीलिंग्स जिसके सामने प्रशंसा नहीं है आपके अंदर उसके प्रति गुण हो, तो वो ह्यूमर कहलाएगा। ठीक है, दो जनरली सीरियस, कभी कभार तो गंभीर ही, लेकिन द नॉवेल अबाउट द, यहाँ पे कट कर दीजिए, द नॉवेल अबाउट द फैमिली इज नॉट विदाउट ड्रॉलरी, जो परिवार के बारे में जो नॉवेल है वो अभी भी बिना उपहास के, बिना मजाक के नहीं होती है, यद्यपि कि कभी कभार यदा कदा उसमें गंभीरता आ जाती है। ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं, हमारे सामने क्या है, डॉजी, डॉजी मतलब एक एडजेक्टिव है, ये भी डिसऑनेस्ट, अनरिलायबल और डेंजरस, जो चालाक हो, बेईमान किस्म का हो, या फिर आपके लिए जो चीज खतरनाक हो, उससे हम क्या कहते हैं, डॉजी। ठीक है, इवैसिव हो, ठीक है, जो अपने मन में क्या कहते हैं, जो पाप से भरा हुआ हो, नैविश हो, दुष्ट प्रकृति का हो, और गाइलफुल मतलब धोखेबाज किस्म का हो, धोखा अपने अंदर लिया हो। ठीक है, फोर्थराइट, जो स्पष्ट हो आपके सामने, ऑनरेबल हो, सम्माननीय हो, और वेल इंटेंटेड, अच्छी भावना से ग्रसित हो, जो जिसके जिसका मस्तिष्क अच्छी भावना से भरा हो, वो वेल इंटेंटेड कहलाएगा। ठीक है, एक्टिविटीज लाइक दीज, इस तरीके के जो कार्य होते हैं, कुड बी डॉजी फॉर योर हर्ट, वो आपके दिल के लिए क्या है, खतरनाक है, मतलब वो कमजोर दिल का इंसान होगा, कुछ ऐसा एडवेंचरस के सामने हो तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा इस्तेमाल दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आठवां है, क्या है, रैम्बल, रैम्बल एक वर्ब है, और वर्ब सॉरी वर्ड्स के सेक्शन में आज के सेशन का अंतिम वर्ड, इसके बाद पता है आपको चार वन वर्ड्स और तीन इडियम्स आने वाले। ठीक है, तो आठवां वर्ड आपके सामने क्या है, टू गो फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर विदाउट एनी पर्पज, बिना किसी कारण के किसी चीज को लेकर भटकते रहना, कभी यहां से वहां, कभी इस पे बोलना, कभी उस पे बोलना, ऐसे इस तरीके का भटकाव होना, उसे हम रैम्बल कहते हैं, या फिर टू वॉक और गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी स्पेसिफिक गोल और पर्पज, बिना किसी निश्चित उद्देश्य, बिना किसी निश्चित कारण के आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, घूमें, भटकें, फिरें बिना मतलब के, तो वो रैम्बल करना कहलाता। ठीक है, ब्लैदर ऑन वर्ड आपके सामने, ब्लैदर ऑन मतलब कि बिना मतलब का बड़बड़ाना, मॉन्डर बिना मतलब के बोलना, रैटल वही बड़बड़ाते रहना। ठीक है, मतलब एक सब बिना कोई पर्पज के इधर से उधर भटकते रहना, उसे हम रैम्बल कहते हैं। शी रैम्बल्ड फॉर सेवरल मिनट्स, कुछ समय के लिए वो अपनी स्पीच पर इधर से उधर भटकती रही, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मेन स्पीकर, इसके पहले कि वो मुख्य जो वहाँ पर बोलने वाले हैं स्पीकर वो आए, उसके पहले वो कुछ मिनट तक यहाँ वहाँ दूसरे इधर से सब्जेक्ट लेकर के वहाँ पर बोल रही थी। ठीक है, तो क्या कर रही थी, वो रैम्बल कर रही थी।
अब आपके सामने आपका पहला वन वर्ड आ जाएगा, मतलब इस सेशन का नौवां वर्ड प्रीचर। प्रीच मतलब क्या होता है? उपदेश देना। प्रीचर मतलब उपदेशक। अ पर्सन हु प्रीचेस, ऐसा व्यक्ति जो उपदेश दे, स्पेशली मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, कोई धर्म वगैरह का, धर्म वगैरह के बारे में जो उपदेश दे, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रीचर कहते हैं। एट 22, 22 साल की अवस्था में ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर प्रीचर ऑफ हिज डे, अपने दिनों में वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रीचर था। किस अवस्था में? एट 22, 22 साल की अवस्था में। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा कैश। प्रोनाउंसिएशन ध्यान दे, कैश कहलाएगा, छिपा कर रखने वाली, रखी जाने वाली चीजें, जिसके कोई सिचुएशन छिपा कर रखें तो वो हमारे कैश कहलाते हैं। ठीक, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का ऐसा समूह, दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस, जिसे किसी रहस्यपूर्ण जगह पर छिपा कर रखा गया हो, वो क्या कहलाया? कैश। पुलिस फाउंड अ कैश ऑफ स्टोलन कार्स, पुलिस ने क्या पाया? चोरी की गई कारों का एक पूरा भंडार पाया इन द वुड्स। वुड्स मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, फिर मैं आप लिख दे रहा हूँ जंगल। ठीक है, मतलब कि जंगल में इन खोई चीजों का पूरा एक जखीरा पुलिस ने पाया। तो कैश मतलब आप समझ गए होंगे, छिपा कर रखे कोई चीज, जिसे हम छिपा कर रखें वो कैश कहलाएगा हमारा, ऐसा समूह। कॉकस है, कॉकस मतलब गुट बैठक, कोई राजनीतिक जब मीटिंग वगैरह होती है उसे हम कॉकस कह सकते हैं, क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। ठीक है, इट वॉज द नेशनल वुमेन्स पॉलिटिकल कॉकस, ये क्या थी? राष्ट्रीय महिला राजनीतिक सभा थी। अगला वर्ड है हमारे सामने POSSE, प्रोनाउंसिएशन में कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा पैश, पैश। ठीक है, सैन्य दल, मीनिंग क्या है? अ टेम्पररी पुलिस फोर्स, कुछ समय के लिए, मतलब कि क्षण भंगुर कह सकते हैं आप, कि कभी बदल जाए वो वहां पे, अपने साथ ऐसी फोर्स लेकर के जो चले, वो फोर्स क्या कहलाती है? पैश कहलाती है। ठीक है, यूजेज हैं द शेरिफ, जो वहाँ का शेरिफ थे, एंड इस पैशे, और जो उसके सैन्य दल थे, रोड आउट, वो बाहर निकले टू लुक फॉर द बैंडिट्स, डाकुओं की तलाश में, डाकुओं खोजने के लिए वो जो शेरिफ थे, उनके जो पैशे थे, सैन्य दल था उनका, वो बाहर निकला उनकी तलाश में। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मतलब कि मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है, तो टू अपोलोजाइज फॉर स्वेरिंग, बोलने के लिए क्षमा करिएगा। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मुझे माफ करिए, बट यू आर रियली अ रस्टिक पर्सन, मुझे माफ करिएगा लेकिन आप सच में एकदम असभ्य किस्म के इंसान हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जाए इस वाक्य से। रस्टिक असभ्य जानते हैं आप लोग, रस्टिक मतलब टू कट टू द चेस, मतलब सीधे सीधे बिना बातों को टाल मटोल के घुमाए फिराए, हिला वाले बिना किए, हिला वाले मतलब पिछली वीडियो मैंने बताया था आप लोग, प्रीवेरिकेट करना या फिर प्रोकेस्टिनेट करना, बिना किसी बात को यहाँ वहाँ घुमाए फिराए, सीधे जब आप मुद्दे पे आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टू कट टू द चेस। हाय एवरीवन, सभी लोगों का अभिवादन करता है और कहता है, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं वाई वी आर हियर, किस चीज के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज टूडे, सो लेट्स कट टू द चेस। तो बिना किसी बात घुमाए फिराए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, वाक्य समझ में आया होगा आप लोगों को। ड्राई रन मतलब पूरा अभ्यास करना किसी चीज का, अ रिहर्सल ऑफ अ परफॉर्मेंस बिफोर द रियल वन, आपकी जो मुख्य जो परफॉर्मेंस होनी है उसके पहले उसका जब हम अभ्यास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई रन। तो द प्रेसिडेंट वेंट थ्रू अ ड्राई रन ऑफ हिज स्पीच, जो प्रेसिडेंट थे वो अपनी स्पीच, जो उनका भाषण होता है उसके पूरा अभ्यास से उस दिन वो गुजरे, मतलब कि उन्होंने उसके प्रैक्टिस की, पूरा अभ्यास किया। ठीक है, तो ये 15 वर्ड्स एक और आपके हुए, वो कैप सेशन 8 नंबर आज खत्म हुआ। मैं फिर यही कहूंगा कि अपने फीडबैक निरंतर आप लोग बनाए रहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ वीडियोज़ बनाने की, आप लोग वीडियोज़ देते रहने की, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक हैं सारे, तो काम की चीज़ें आप तक पहुँचने ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, PDF दिया है मैंने नीचे, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, क्या गलतियाँ रहेंगी, क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ें और सुधारी जा सकती हैं, इन चीज़ों को बनाए रखें। और लास्ट में जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सारी चीज़ें बनाए रखिए। अपनी जिम्मेदारी आप निभाइए, हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।